Welcome back, friends, to Mr. Indian Graphics. Before starting the video, I would like to say that please subscribe to get latest update and videos. Click this red subscribe button to subscribe this channel. So without wasting your precious time, I am gonna start this video. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये करेंगे कि हम जो हमारा ये जो फॉर्म है, इसका जो फ्रेम है पीछे जी फ्रेम, फुली ट्रांसपेरेंट करेंगे। मतलब जो कंटेंट है वो तो वैसा का वैसे ही दिखेगा, बट फ्रेम हमारा फुली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या हम करेंगे, क्या वो है, बस छोटा सा काम कि हमें बस लिखना है एक लाइन का छोटा सा कोड, सेट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू दिस 0000। ठीक है, तो बस इतने काम से हमारा क्या होगा कि जो हमारा बैकग्राउंड में फ्रेम है वो फुली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो फ्रेम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि आपका फ्रेम अनडेकोरेटेड होना चाहिए। तो चलिए अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं ये क्या ये वर्क कर रहा है। हाँ, इट्स वर्किंग। अब जो हमारा फ्रेम है फुली ट्रांसपेरेंट हो चुका है, बट जो ये कंटेंट है दो पैनल्स ये वैसे के वैसे ही हैं। तो इस वीडियो में आपको यही करके दिखाना चाहता था। और एक चीज़ और कि जब हम अपने रजिस्टर, मतलब जो रजिस्टर का हमने लेबल लगाया है इस पर क्लिक करें तो दूसरा हमारा रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर करने का एक फॉर्म खोल जाए। तो हम वो फॉर्म भी बना लेते हैं और इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह एक पेज को, मतलब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म के साथ लिंक कर। तो फ्रेंड्स, अब हम लगाएंगे रजिस्टर लेबल के ऊपर एक इवेंट।
जो कि होगा माउस क्लिक का, और उसमें हम उसके क्लिक पर हम कॉल करेंगे रजिस्टर पे, रजिस्टर जो हमारा फ्रेम है जो अभी हमने बनाया रजिस्टर डॉट जावा, हम चाहते हैं जैसे ही क्लिक हो तो रजिस्टर डॉट जावा जो हमारा फ्रेम है वो विजिबल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रजिस्टर जो कि हमारा क्लास का नेम है, फ्रेम का नेम है, वो उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली हमने ये कर लिया, और हमने reg से अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और reg.setVisible कर दिया ट्रू, मतलब हमारा जो रजिस्टर का पेज है वो सेट विजिबल ट्रू हो गया, मतलब अब वो दिखेगा। पर दिस डॉट सेट विजिबल मतलब जो हमारी करेंट स्क्रीन है, जो करंट फ्रेम है, वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो अभी करके देखते हैं, जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा रजिस्टर का पेज वो ओपन हो गया और जो हमारा करंट पेज था लॉगिन पेज वो हिडन। तो अब इसको क्रिएट करते हैं पूरा।
तो फ्रेंड्स अब लॉगिन, अब जो हमने ये नीचे लॉगिन नाम का मतलब बटन मतलब लेबल लगाया है, अब हम चाहते हैं कि जब इस पर क्लिक करें तो हमारा लॉगिन पेज ओपन हो जाए और ये क्लोज हो जाए। तो उसके लिए हम सेम जैसे हमने रजिस्टर के लिए किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे, बस इसमें हम लॉगिन के लिए बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लॉगिन पेज को कॉल करेंगे और this dot set visible फॉल्स कर देंगे, जबकि हमारा रजिस्टर का फॉर्म होगा वो क्लोज हो जाएगा फिर, और जो हमारा लॉगिन पेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। So let's run the project. अच्छा ये वर्क कर रहा है, ये लॉगिन भी वर्क कर रहा है, मतलब सब चीज़ एकदम फाइन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।